का युग है। ये अपने देश के सब लोगों को उनके जाति धर्म पंथ भाषा प्रांत को बिना देखे कर्तव्य और अधिकार दोनों में बराबरी की भागीदारी सिखाने वाला युग है। हिंदुत्व का अर्थ यही होता है ना। हिंदुत्व का अर्थ पूजा से संबद्ध जो है तो पूजाएं अनेक हैं। देर आर मेनी रिलीजन्स भारत में और वो अपना अपना है। अभी नवरात्रि चल रही है, आप में से कुछ लोगों ने व्रत रखा है, कुछ लोगों ने नहीं रखा है। तो व्रत रखने वाले पुण्यवान है और नहीं रखने वाले पापी है, ऐसा तो हिंदू नहीं मानता। आप में से कुछ लोग हैं जो शाक्त नहीं है, वो गणपति जी की उपासना करते, उन्होंने उपवास उस समय कर लिया, अब नहीं कर रहे, तो कोई विरोधी तो नहीं हो गए। हिंदुत्व का विचार यह है कि भाई अस्तित्व मूल में एक है और अलग दिखने से आदमी अलग नहीं होता। बाकी दुनिया कहती है एक होना है तो एक सा होना चाहिए, यूनिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिफॉर्मिटी। हमारे यहां बिल्कुल अलग विचार है। हम कहते हैं विविध होना, अरे हमारा आनंद है, हमारा उत्सव है, हमारा अधिकार भी है, सृष्टि का श्रृंगार भी है। भगवान को लगा मैं एक हूं अनेक हूं इसलिए तो सृष्टि उत्पन्न हुई, तो हम अनेक हो रहे हैं, आनंद की बात है। लेकिन हम विशिष्ट है, विविध है, अनेक है, इसका मतलब हम अलग है ये बिल्कुल नहीं होता। एग्जिस्टेंस इज वन, केवल मानव नहीं चराचर सृष्टि, जो विज्ञान भी आज सिद्ध करता है। सावरकर जी शुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति के थे, अभी बताया सावरकर जी यानी तर्क, किसी भी बात को उन्होंने आंख मून कर स्वीकार नहीं किया, प्रत्यक्ष अनुभव के धरातल पर और बुद्धि के तर्क के आधार पर जो सत्य उनको प्रतीत हुआ उन्होंने बेबाक कहा, परिणामों की चिंता नहीं की, मेरा क्या होगा इसकी बिल्कुल चिंता नहीं की। उनका जीवन तो मेरा क्या होगा इस थीम पर चलने वाला जीवन था ही नहीं। स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करके मैं जीवन जीऊंगा। तो उन्होंने कहा है उनकी उस कविता में जिसको चिरायुजी ने उद्धृत किया, दीप्ता नलात निज मातृ विमोचनार्थ हा स्वार्थ जाळुनी अमी ठरलो कृतार्थ। मातृभूमि के मुक्ति का ये जो प्रज्वलित अग्नि है उसमें हमने स्वार्थ को जला दिया और कृतार्थ हो गए और इसका कोई पश्चाताप नहीं। मेरा बड़ा भाई वो जेल में है, उसकी तुम्हारी वेदी पर बलि चढ़ रही है, छोटा मैं स्वयं भुगत रहा हूं, छोटा भाई भी कारावास में है, लेकिन ये क्या है, हम अगर सात भाई होते तो सब तुम्हारे ही खंडेल पर हम बलि देते। उस कविता का नाम है मृत्यु पत्र। अंडमान से उन्होंने अपने भाभी को भेजा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, तो पत्र लिखते थे और प्रतिभाशाली थे, ओजस्वी कविता, तो वो कविता उन्होंने लिखी, उसमें सब विचार ऐसे ही है। ऐसे प्रखर व्यक्तित्व वाले सावरकर जी तो आप सुनने जा रहे हैं।